उनका भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इस यूनिट का यानी 50% जो हमारे पास में मैटर आया वो एशिया महाद्वीप के संबंध में है, और इसी का ये जो 50% जो 50% मैटर है वो यूरोप महाद्वीप के संबंध में है। यानी सैम कुछ बिंदु तो ऐसे हैं जो यूरोप महाद्वीप के सिलेबस में और एशिया महाद्वीप के पाठ्यक्रम में समान है। जैसे भौतिक प्रदेशों की या स्थलाकृतिक प्रदेशों की मैं बात करूँ तो वही स्थलाकृतिक प्रदेश हम कौन से महाद्वीप में पढ़ेंगे, यूरोप महाद्वीप में पढ़ेंगे। वही अपवा हम कहाँ पर पढ़ेंगे, यूरोप महाद्वीप में पढ़ेंगे। जलवायु हम एशिया महाद्वीप में भी पढ़ रहे हैं और जलवायु हम यूरोप महाद्वीप में भी पढ़ रहे हैं। प्राकृतिक वनस्पति हम एशिया महाद्वीप की भी पढ़ रहे हैं और हम यूरोप महाद्वीप की भी पढ़ रहे हैं। इसी के साथ साथ हम बात करें मृदा सोइल्स, वो हम एशिया महाद्वीप की भी पढ़ रहे हैं, उसी के साथ साथ यूरोप महाद्वीप की भी पढ़ेंगे। आर्थिक जो गतिविधियाँ हैं, जो इकोनॉमिक फैक्टर हैं, कृषि, पशुपालन, परिवहन और संचार, सैम ये का ये ही यानी बिंदु हम अप्लाई यूरोप पर कर लेंगे। सामाजिक कारकों में हम जनसंख्या के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो जनसंख्या के बारे में भी हम चर्चा कहाँ पर कर लेंगे, इसी स्थान पर हम मुख्य रूप से कर लेंगे। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं, यानी हम बात करें मुख्य रूप से कहाँ की, यूरोप महाद्वीप का जो क्षेत्रीय अध्ययन है वहाँ की हम बात करते हैं। तो यूरोप महाद्वीप का जो हमारे पास में जो क्षेत्रीय अध्ययन आया, यदि मैं इस क्षेत्रीय अध्ययन की बात करूँ, मैं आपसे यूरोप के बारे में एशिया से कुछ अलग बात करना चाहता हूँ। वह प्रादेशिक अध्ययन कहाँ का है, न्यू इंग्लैंड का है। यानी एक तो हम यहाँ पर बात कर लेंगे कहाँ की, न्यू इंग्लैंड के बारे में हम बात कर लेंगे। मुख्य रूप से बात करें कि हम यहाँ न्यू इंग्लैंड की विस्तृत चर्चा करेंगे, कौन से महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में। तो ये बात मैंने अभी हाल ही में कुछ समय पहले बताई है आपको कि जब तक हमारे पास में ट्रैक तो है लेकिन ट्रैक पर एक निश्चित दायरा नहीं होगा दौड़ने के लिए, तो हम दौड़ नहीं सकते हैं। हमारे पास में प्लेटफॉर्म तो उपलब्ध है लेकिन प्लेटफॉर्म की जब सीमाएं नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, तो तब तक हम वहां पर रेस नहीं लगा सकते हैं, और रेस लगा भी लेंगे तो हम उसमें विनर साबित नहीं हो सकते हैं। मुख्य रूप से हमारे पास में पाठ्यक्रम उपलब्ध होना चाहिए। जिस पाठ्यक्रम की हम बात करते हैं, जैसे जैसे हम क्लासों को आगे गति देते जाएंगे वैसे वैसे ही मुख्य रूप से हम बात करें कि प्रत्येक विषय को, प्रत्येक विषय के प्रत्येक खंड को हम आगे बढ़ाते चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं न प्रथम खंड की कर रहे हैं, न द्वितीय खंड की कर रहे हैं, न तृतीय खंड की कर रहे हैं, लेकिन आज तक जो हमने पिछली कक्षाओं में भी यदि अध्ययन किया है तो हमने अध्ययन किया है विश्व के भूगोल का। लेकिन आज हम सबसे पहले ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि साहब इस भूगोल में यह प्रादेशिक शब्द क्यों जोड़ा गया है। इस प्रादेशिक शब्द के बारे में, इस रीजनल शब्द के बारे में हम जो जानकारी कर रहे हैं, हम जो इसकी विस्तृत चर्चा कर रहे हैं इस रीजनल शब्द की, यानी ये जो शब्द आया है, जो रीजनल शब्द आया है, इस रीजनल शब्द की मैं आपसे विस्तृत चर्चा करना चाहता हूँ। इस विस्तृत चर्चा के बारे में यदि हम बात करें मुख्य रूप से कि ये प्रादेशिक शब्द है क्या, ये शब्द आया कहाँ से है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, यानी प्रादेशिक जो शब्द है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका बेस क्या है, इसके बारे में हम कैसे जानकारी प्राप्त करें। तो भूगोल में प्रादेशिक संकल्पना, मैं ऐसे भी शब्द को लिख सकता हूँ, यदि मैं ऐसे नहीं लिखूँ तो मैं इस शब्द को ऐसे भी फ्रेम कर सकता हूँ, भूगोल में प्रादेशिक, भूगोल में प्रादेशिक संकल्पना, यानी मैं प्रादेशिक संकल्पना की बात कर रहा हूँ। यानी हम बात करें कि रीजनल कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी, यानी रीजनल कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी की यदि हम बात करने जा रहे हैं तो मुख्य रूप से हम बात करें कि भूगोल में ये प्रादेशिक शब्द आया कहाँ से और किस प्रकार से यहाँ पर आकर के ये शब्द अप्लाई होता है, मैं उस शब्द की आपसे बात कर रहा हूँ। मुख्य रूप से हम बात करें तो ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी की बात है, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो तीसरी शताब्दी है उसकी बात है। इससे पहले यानी मैं बात करूं आपसे
ईसा पूर्व जो तीसरी शताब्दी है, उस तीसरी शताब्दी में प्रादेशिक जो शब्द है वो प्रादेशिक शब्द की संकल्पना, प्रादेशिक शब्द की संकल्पना हमारे सामने आई थी। यानी ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में जो हमारे पास में संकल्पना आई थी वह संकल्पना हमारे सामने आई थी, उस समय इस शब्द का प्रयोग किया जाने लगा था, प्रादेशिक शब्द का, यानी भूगोल में इस शब्द का मुख्य रूप से प्रयोग होने लग गया था। इसका मीन्स ऐसा हो गया कि हम ऑल ओवर वर्ल्ड का एक होल अध्ययन न करके और हम एक यूनिट के रूप में अध्ययन करने लग गए थे, एक पार्ट्स के रूप में अध्ययन करने लग गया था। मुख्य रूप से हम बात करें कि स्ट्रेबो जो हमारे को ये जानकारी उपलब्ध करवा रहे थे, ये ज्योग्राफी के बहुत बड़े विद्वान थे। स्ट्रेबो यानी स्ट्रेबो ने इस प्रादेशिक भौगोलिक शब्दावली का जो शब्दावली हमारे सामने आई, इस शब्दावली का क्या किया था, प्रयोग किया था। यानी इस शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, यदि हम विश्व स्तर की बात करें तो सबसे पहले प्रादेशिक जो शब्दावली का प्रयोग किया था वो किन्होंने किया था, स्ट्रेबो महोदय ने किया था। अब ये स्ट्रेबो है क्या, ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया, क्या हम इसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, तो मैं सबसे पहले आपसे बात करूँगा कहाँ की, स्ट्रेबो महोदय की। मैं बात करूँ, एक शहर है, उस शहर का नाम है अमेशिया। यानी ये अमेशिया जो शहर है ये है कहाँ पर, टर्की में, ठीक है ना। मैं बात करूँ ठीक इसके लोकेशन की बात करूँ कि यह है जो काला सागर है, इस काला सागर के ठीक दक्षिण में, ठीक दक्षिण में यह शहर स्थित है जो अमेशिया शहर है। यहाँ पर इस शहर में स्ट्रेबो महोदय का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। बात है यानी 64 ईसा पूर्व की, यानी 64 ईसा पूर्व में, यानी एशिया माइनर टर्की के अमेशिया शहर में, अर्थात काला सागर के ठीक दक्षिण में, वहाँ पर इस महान ज्योग्राफर का जन्म हुआ था। मुख्य रूप से हम बात करें इस पर जो प्रभाव पड़ा है, ये जिस संप्रदाय से हैं, मैं इनके संप्रदाय की बात करूं तो यह है रोमन संप्रदाय के भूगोल वेता हैं, लेकिन इनकी जो अधिकांश जो शिक्षाएं हुई हैं, जो इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, उस शिक्षा पर जो प्रभाव पड़ा है, यानी इनके एजुकेशन पर, इनकी शिक्षा पर जो प्रभाव पड़ा है वो कहाँ का प्रभाव पड़ा है, यूनानी भाषा का प्रभाव पड़ा है, यानी यूनानी विचारधारा का इन पर प्रभाव पड़ा है। और ये जिस स्कूल से संबंधित हैं उस स्कूल का नाम है रोमन स्कूल। मुख्य रूप से हम बात करते हैं, ये एकमात्र ऐसे भूगोल वेता हैं जो सबसे पहले यानी भूगोल में प्रादेशिक शब्दावली का प्रयोग करने वाले यह भूगोल वेता हैं। यदि हम इस भूगोल वेता की बात करते हैं, यानी हम स्ट्रेबो महोदय की बात करते हैं, तो मैं स्ट्रेबो महोदय को मुख्य रूप से बात करूं, मैं फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी, यानी मैं इनको प्रादेशिक भूगोल, यानी प्रादेशिक भूगोल का पिता, मैं इनको प्रादेशिक भूगोल का पिता कह सकता हूँ, यानी फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी कहलाए। यानी सबसे पहले विश्व स्तर पर
जो इन्होंने जानकारी उपलब्ध करवाई है, यानी प्रदेश लेवल की जो जानकारी उपलब्ध करवाई है वो यानी करवाने वाले थे स्ट्रेबो महोदय। इसी कारण से इन्होंने चाहे उस प्रदेश का भौतिक फैक्टर हो, चाहे उस प्रदेश का सामाजिक फैक्टर हो, चाहे उस प्रदेश का आर्थिक फैक्टर हो, मुख्य रूप से बात करते हैं कि इन्होंने उन प्रदेशों को यानी विश्व के प्रदेशों को यानी प्रादेशिक आधारों पर प्रह स्थापित किया है। यानी जो स्ट्रेबो महोदय हैं, इन्होंने जो विश्व के प्रदेश हैं यानी विश्व के प्रदेशों को प्रादेशिक आधार पर प्रस्थापित करने का मीन्स यह है, आप शब्दावली को पकड़िए, शब्दावली को समझने का प्रयास करिए। मुख्य रूप से बात करते हैं विश्व के प्रदेशों का प्रादेशिक आधार पर प्रस्थापित करना कैसे किया है। विश्व के जितने भी प्रदेश हैं, चाहे वो आर्थिक प्रदेश हो, चाहे वो सामाजिकता से संबंधित प्रदेश हो, चाहे वो भौतिक प्रदेश हो, उन प्रदेशों का इन्होंने जो बेस माना है, जो आधार बनाया है, वह रीजनल बनाया है। रीजनल का मीन्स ऐसा हो गया कि किसी एक जो महाद्वीप है, एक महाद्वीप है, उस महाद्वीप के एक छोटे से प्रदेश, उस प्रदेश का एक एलिमेंट्स, एक तत्व, जैसे मैं बात करूं भौतिक स्वरूप के बारे में, फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी इस प्रदेश का यह एक एलिमेंट्स हो गया। इसका मतलब प्रादेशिक आधार का मतलब एक कॉन्टिनेंटल का एक रीजन, एक कॉन्टिनेंटल के एक में यदि रीजन्स की बात करूं, मैं आपके पास में एक प्रदेश की बात करूं, तो एक प्रदेश का एक एलिमेंट का मीन्स हो गया वहां का एक भौतिक स्वरूप। जैसे भौतिक स्वरूप का मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर, यदि मैं फिजिकल स्ट्रक्चर को भी और मैं विस्तृत रूप से चर्चा करूं, तो वहां के रिलीफ, उस प्रदेश में स्थित रिलीफ, रिलीफ का मतलब हो गया उस प्रदेश की कौन सी आकृतियां, स्थलाकृतिक आकृतियों का मीन्स हो गया कि वो उस स्थान का जो स्थल मंडल है, जो लिथोस्फीयर है, उस लिथोस्फीयर की मैं आपसे बात करूं कि उस लिथोस्फीयर का निर्माण किस रूप में हुआ है, वहां पर कैसा शेप है, वहां का स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे मैं आपसे बात करूं, यहां पर मैं पेनी प्लेन्स की बात करूं, मैं यहां पर प्लेटू की बात करूं, इसके अलावा मैं यहां पर लेक्स की बात करूं यानी झीलों की बात करूं, मैं यहां पर आपसे रिवर्स की बात करूं, नदियों की बात करूं, मैदान है, पठार है, नदियां हैं, झील हैं, तालाब है। इसका मतलब उस स्थल मंडल कौन सा, यानी उस महाद्वीप के उस प्रदेश का, यहाँ पर जो इन्होंने शब्दावली काम में ली विश्व के प्रदेशों, अर्थात विश्व के प्रदेशों का प्रादेशिक आधार पर प्रस्थापित करना, अप्लाई किस आधार पर करना, उस एलिमेंट्स को अप्लाई करना। एलिमेंट्स कौन सा था, इस प्रदेश के एलिमेंट्स ये रहे। मुख्य रूप से बात करते हैं कि उस प्रदेश के जो तत्व हैं, जो इनके भौतिक स्वरूप वाले जो तत्व हैं, जिनमें हमने बात की मैदान की, पठार की, झीलों की, नदियों की, तालाब की, तो मुख्य रूप से जो ये शब्दावली इन्होंने काम में ली है कि विश्व के प्रदेशों का प्रादेशिक आधार पर स्थापित करना, तो प्रादेशिक आधार पर इन्होंने स्थापित किया है। उसी प्रदेश के मैं भौतिक स्वरूप के अलावा मैं इसी प्रदेश के भौतिक स्वरूप के अलावा यदि मैं आपसे बात करूं, तो मैं यहां पर आर्थिक स्वरूप की बात करूं, तो मैं आर्थिक स्वरूप में सबसे पहले शामिल करूंगा मैं किसको, एग्रीकल्चर को शामिल कर लूंगा, यहां पर मैं कृषि को शामिल कर लूंगा। इसका मतलब कृषि लिखने में तो और दिखने में तो छोटा सा शब्द है, लेकिन हम यदि इसकी विस्तृत चर्चा करें तो यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिएगा कृषि के यहाँ पर
प्रकार है। इसके अलावा उस कृषि को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उस कृषि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं बात करूँ आपसे, उस कृषि को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उस कृषि की समस्याएं हैं, तो इन्होंने ये जो लाइन बताई है, इन्होंने ये कहा है कि विश्व के प्रदेशों का प्रादेशिक आधार पर प्रस्थापित करना, अप्लाई करना, विश्व के जो प्रदेश हैं उन प्रदेशों के एक एक एलिमेंट्स को, कृषि है, भौतिक स्वरूप है, पशुपालन है, वहाँ परिवहन है, वहाँ संचार है, उनके बारे में विस्तृत चर्चा करना। तो इससे यह सिद्ध होता है कि स्ट्रेबो महोदय को यदि हम प्रादेशिक भूगोल का पिता कहे तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। मुख्य रूप से हम बात करते हैं, यानी यह एकमात्र स्ट्रेबो महोदय ही थे जिन्होंने विश्व को प्रादेशिक प्रदेशों में बांटने का प्रयास किया। यदि हम स्ट्रेबो महोदय के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहे, मुख्य रूप से यदि हम जानकारी प्राप्त करना चाहे और हम ऐसा कहना चाहे कि विश्व स्तर पर विश्व को सर्वप्रथम जो प्रादेशिक आधार पर बांटने का जो प्रयास किया गया है वो किस भूगोलवेत्ता के द्वारा किया गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये मुख्य रूप से जो प्रयास रहा ये स्ट्रेबो महोदय का ही प्रयास था। कि स्ट्रेबो महोदय ने यानी सबसे पहले या सर्वप्रथम यानी संपूर्ण विश्व को प्रादेशिक आधार पर जो विभाजित करने का प्रयास किया है वह प्रयास किसका था, वह स्ट्रेबो महोदय का ही था। स्ट्रेबो महोदय ने ही विश्व स्तर पर विश्व को छोटे छोटे प्रदेशों में बांटने का जो प्रयास किया था वह प्रयास सबसे पहले यदि विश्व मानचित्र पर था और किसी भूगोलवेत्ता का था तो मुख्य रूप से वो भूगोलवेत्ता कौन सा था, वह स्ट्रेबो महोदय थे जिन्होंने विश्व के एक छोटे छोटे तत्वों को छोटे छोटे प्रदेशों में प्रस्थापित करने का, उनको स्थापित करने का जो प्रयास किया गया था वो बहुत ही सराहनीय प्रयास था। यदि मैं स्ट्रेबो महोदय के बारे में बात करूं आपसे, तो स्ट्रेबो महोदय की जो जानकारी हमारे पास में जो उपलब्ध होती है उस जानकारी के बारे में मैं आपसे बात करूं, तो हमारे पास में जानकारी यह है कि इन्होंने कुल जो खंड लिखे थे, जो इनका एक ग्रंथ था, इनके यदि मैं ग्रंथ की बात करूं तो इनका ग्रंथ था ज्योग्राफिया, यानी ज्योग्राफिया इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था स्ट्रेबो महोदय ने। इसके अलावा कुल इन्होंने जो ग्रंथ लिखे थे उन ग्रंथों की संख्या है कितने, 43। और यह इनके जो 43 जो ग्रंथों का संग्रह है, इस 43 ग्रंथों के संग्रह को हम मुख्य रूप से बात करें तो उन ये 43 ग्रंथों का जो संग्रह है ये यानी ज्योग्राफिकल मेमोरीज कहलाता है, यानी यह भौगोलिक स्मृतियाँ, ये भौगोलिक स्मृतियाँ कहलाती हैं। लेकिन आज हम इनकी जानकारी प्राप्त करना चाहे तो हमारे पास में इनकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो मुख्य रूप से हम बात करते हैं जो ये प्रादेशिक शब्द सबसे पहले जो ये अप्लाई किया गया था, ये अप्लाई यानी स्ट्रेबो महोदय के द्वारा किया गया था। विश्व स्तर पर एकमात्र भूगोलवेत्ता स्ट्रेबो जिन्होंने इस प्रादेशिक शब्दावली का विश्व स्तर पर प्रयोग किया था। इनका जन्म अमेशिया, जो एशिया माइनर टर्की है, काला सागर के ठीक दक्षिण में स्थित है अमेशिया शहर, वहाँ पर हुआ था। इनके जन्म का वर्ष है
64 ईसा पूर्व मुख्य रूप से इन्होंने जो विश्व के प्रदेशों का प्रादेशिक आधार पर जो स्थापित किया है, तो इस आधार पर, इनके इन तथ्यों के आधार पर हम स्ट्रैबो महोदय को मुख्य रूप से प्रादेशिक भूगोल का क्या कहते हैं, पिता कहते हैं, फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी। एकमात्र स्ट्रैबो महोदय थे जिन्होंने सबसे पहले विश्व को प्रादेशिक आधार पर विभाजित करने का, जो प्रादेशिक आधार पर विभाजित करने का प्रयास किया था। इनके ग्रंथ का नाम है ज्योग्राफिया, इन्होंने ज्योग्राफिया ग्रंथ लिखा था। मुख्य रूप से बात करें, भूगोल में एक एरा आया था, एक काल आया था, उस काल का नाम है पुनर्जागरण काल, अर्थात रेनेसा का काल। वह रेनेसा का काल इसलिए, पुनर्जागरण का काल इसलिए कहलाया, तीसरी शताब्दी से 12वीं शताब्दी की यदि हम बात करते हैं भूगोल में, तो तीसरी शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य भूगोल में एक डार्क एज आया था, एक अंधकार का युग आया था। उस अंधकार के युग में जो भौगोलिक ज्ञान था, वह भौगोलिक ज्ञान गर्त में चला गया था। भौगोलिक ज्ञान जिस स्तर पर था उसी स्तर पर पड़ा रहा, और भौगोलिक ज्ञान के स्थान पर जिस ज्ञान को अप्लाई किया गया था, वह अप्लाई करने वाला नॉलेज था धार्मिक ज्ञान। इसी कारण से उस समय भूगोल वेताओं का बोलबाला खत्म हो गया था। भूगोल वेताओं का बोलबाला खत्म हुआ तो उनके स्थान पर धर्म के मठाधीशों ने, यानी उन धर्म के पुजारियों ने धीरे धीरे उस भौगोलिक ज्ञान को गर्त की ओर लेकर के गए, और उसके स्थान पर जो धार्मिक ज्ञान को अप्लाई किया गया, इस कारण से भूगोल में किसी प्रकार का कोई नवीन कार्य संभव नहीं हुआ। अब मैं आपसे बात करता हूँ भूगोल में कौन से काल की, मैं भूगोल में आपसे पुनर्जागरण काल की बात करता हूँ। जो पुनर्जागरण का काल आया था, मैं इस काल की आपसे बात करता हूँ। यह काल जो हमारे पास में है, ये भूगोल में 13वीं शताब्दी से मैं 17वीं शताब्दी के मध्य की बात कराऊँ, यानी सन 1300 से सन 1700 के मध्य की मैं बात कर रहा हूँ। इस काल को हम मुख्य रूप से रेनेसा का काल भी कहते हैं, यह है रेनेसा का काल कहलाता है। मुख्य रूप से उन्हें भूगोल वेताओं ने इस भूगोल को आगे बढ़ाने में, भूगोल की विकास की गति को इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिनमें एक भूगोल वेता था क्लोवेरियस और दूसरे भूगोल वेता था वरेनियस महोदय। यानी एक तरफ तो भूगोल वेता थे क्लोवेरियस भूगोल वेता, यानी एक तरफ तो यह भूगोल वेता थे, और मैं दूसरी तरफ भूगोल वेता की बात करूं तो दूसरी तरफ जो भूगोल वेता था वह थे बर्नहार्ड वरेनियस महोदय। यानी मैं दूसरी तरफ की बात करूं तो हमारे पास में भूगोल वेता थे बर्नहार्ड वरेनियस महोदय। यानी मैं इनकी आपसे बात करूं, वरेनियस महोदय, इन दोनों भूगोल वेताओं ने भी इस रेनेसा के काल जब प्रारंभ हुआ, उस काल में यानी प्रादेशिक भूगोल पर अपने विचार रखे, प्रादेशिक भूगोल पर अपने विचार रखे। जब प्रादेशिक भूगोल पर अपने विचार रखे तो हम ये कह सकते हैं कि क्लोवेरियस महोदय और बर्नहार्ड वरेनियस महोदय दोनों ही कौन सी भूगोल के समर्थक थे, तो दोनों ही भूगोल वेता, यानी क्लोवेरियस दोनों ही भूगोल वेता, एक तरफ तो कौन बैठे थे, एक तरफ तो बैठे थे हमारे पास में क्लोवेरियस, और दूसरे भूगोल वेता कौन थे, बर्नहार्ड वरेनियस महोदय। ये दोनों ही भूगोल वेता प्रादेशिक भूगोल के, जो प्रादेशिक भूगोल हैं
प्रादेशिक भूगोल के क्या थे, ये प्रादेशिक भूगोल के समर्थक थे। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रादेशिक भूगोल पर अपने विचार रखे, तो विचार रखे तो ये किसके पक्ष में आ गए, प्रादेशिक शब्द के समर्थन के पक्ष में आ गए। सबसे पहले समर्थन जो करने वाले थे, हम बात करें इनको हम दूसरे नंबर पर रख सकते हैं, इनको हम तीसरे नंबर पर रख सकते हैं। तो एक नंबर पर हम किनकी बात कर रहे थे, एक नंबर पर हम किनकी बात कर रहे थे, स्ट्रेबो मोदे की बात कर रहे थे। मुख्य रूप से हम बात करें तो जब स्ट्रेबो मोदे ने सबसे पहले उस शब्दावली का प्रयोग किया, इसका मतलब विश्व स्तर पर उस शब्द की प्रचलन तो प्रारंभ हो गया था, विश्व स्तर पर प्रादेशिक रीजनल शब्द तो आ गया था। उसके बाद में उसको गति देने का जो काम किया वो किया कलोवेरियस मोदे ने, और उसी के बाद में उसमें गति देने का काम किया किसने, बर्नहार्ड महोदय ने। मुख्य रूप से हम बात करते हैं यानी प्रादेशिक भूगोल पर अपने विचार रखे, दोनों ही भूगोल वेता प्रादेशिक भूगोल के क्या थे, दोनों ही भूगोल वेता प्रादेशिक भूगोल के समर्थक थे। अब मुख्य रूप से हम बात करते हैं उन प्रदेशों की हम बात करते हैं यानी प्रादेशिक वर्गीकरण। हम प्रादेशिक वर्गीकरण की मुख्य रूप से बात करें तो प्रदेशों का जो हमारा वर्गीकरण है, हम किस आधार पर प्रदेशों का वर्गीकरण कर सकते हैं, ऐसे कौन से हमारे पास में देश हैं जिन देश को हम ध्यान में रखें। देखिए हम इतने देर के जिस विषय पर चर्चा कर रहे थे, हम सबसे पहले बात कर रहे थे हमारे पाठ्यक्रम पर, तो पाठ्यक्रम की बात करें आज हम BA पार्ट थर्ड ईयर का जो प्रथम प्रश्न पत्र है जिसको हम कहते हैं विश्व का प्रादेशिक भूगोल, विश्व के प्रादेशिक भूगोल का हमने सामान्य जानकारी प्राप्त की, उसका जनरल इंट्रो प्राप्त किया। उसी जनरल इंट्रो के साथ साथ हमने जो प्राप्त किया वह प्राप्त किया उसका पाठ्यक्रम। तो मैंने यही समझाया कि पाठ्यक्रम एक ऐसी चीज़ होती है कि जब तक हमारे पास में पाठ्यक्रम नहीं होता है तो हम जिस निश्चित सफलता की ओर हमारे को जाना चाहिए हम वो निश्चित सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। निश्चित सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे पास में प्लेटफॉर्म तो उपलब्ध है, लेकिन हमारे पास में एक क्राइटेरिया तो होना चाहिए, एक सीमा तो होनी चाहिए, एक दायरा तो होना चाहिए कि किस दायरे में हमारे को हमारे एफर्ट्स लगाने हैं। उस एफर्ट्स को लगाने के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं, हमारा जो प्रयास है वो हमारा प्रयास था उस पाठ्यक्रम से यानी जिस विषय के जिस वर्ष में विद्यार्थी बैठे हैं उस वर्ष के विद्यार्थियों को हम पाठ्यक्रम से अवगत करवाना कि उनका पाठ्यक्रम क्या है, किस आधार पर उनका पाठ्यक्रम नियोजित हुआ है। उस नियोजित हम पाठ्यक्रम की बात किए तो हमने प्रथम प्रश्न पत्र को कितने खंडों में बांटा था, तीन खंडों में बांटा था, खंड ए, खंड ब, खंड श। तो हमने सबसे पहले जो आपसे बात की वह ये बात की थी कि जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें हम यूरेशिया महाद्वीप की बात करेंगे। यूरेशिया महाद्वीप का मीन्स है जिसमें यूरोप और एशिया का हम रीजनल स्टडी कर रहे थे। हमारे पास में जो सेकेंड यूनिट आई थी वह आई थी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप एवं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। जो हम थर्ड यूनिट की बात कर रहे थे उसमें हम पढ़ रहे थे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड महाद्वीप के माध्यम से। तो हमने सबसे पहले जो प्रथम खंड का जो सामान्य जो परिचय की जानकारी प्राप्त की थी उससे हमने प्रथम खंड का थोड़ा सा विस्तृत चर्चा ये की थी कि इस प्रथम खंड में यूरोप और एशिया में हमारे को पढ़ना क्या है। तो हमने सबसे पहले जो चर्चा की वो चर्चा ये की थी कि वहाँ की स्थलाकृतिक प्रदेश, यूरोप और एशिया महाद्वीप की कृषि, प्राकृतिक वनस्पति, मृदाएँ, अपवाहा, वहाँ का पशुपालन, वहाँ का संचार और परिवहन, और उस एशिया महाद्वीप का मुख्य रूप से क्षेत्रीय अध्ययन जिसमें हमने बात की थी एशिया महाद्वीप का दक्षिणी पश्चिमी भाग और एशिया महाद्वीप का दक्षिणी पूर्वी भाग। इसी के साथ साथ हमने फिर टॉपिक को गति दी थी, गति दे करके हम आगे बढ़े थे। तो हम प्रथम खंड का सब खंड यानी यूरोप महाद्वीप, तो यूरोप महाद्वीप में हमने सभी चीज़ें एशिया महाद्वीप की तरह इक्वल पढ़े थे, यानी वहाँ के भौतिक प्रदेश है, वहाँ का अपवाह तंत्र है, वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति है, वहाँ की मृदाएं हैं, इसके अलावा वहाँ का कृषि है, वहाँ का पशुपालन है, वहाँ की जनसंख्या, यहाँ तक तो हमने इक्वल लेके चले थे। लेकिन उसके आगे जब हमने यूरोप महाद्वीप को बढ़ाया था तो हमने आगे ये बढ़ाया था कि यूरोप महाद्वीप का
प्रादेशिक अध्ययन। तो यूरोप महाद्वीप के जो प्रादेशिक अध्ययन की हम बात कर रहे थे, वहाँ हम न्यू इंग्लैंड के बारे में बात कर रहे थे कि न्यू इंग्लैंड के बारे में जो हमने जिक्र किया कि न्यू इंग्लैंड के भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे, यूरोप में न्यू इंग्लैंड की विस्तृत चर्चा करेंगे जो प्रादेशिक अध्ययन से संबंधित जो हमारा विषय था। इसी प्रकार से हमने आगे गति दी कि हमारा आज तक हम जो पिछली कक्षाओं में पढ़ के जो आ रहे हैं शब्द, या जो हमने पढ़ा है भूगोल, वो विश्व का भूगोल पढ़ा है, हमने विश्व का प्रादेशिक भूगोल नहीं पढ़ा है। और हमने सबसे पहले उस प्रादेशिक शब्द की विस्तृत चर्चा की थी कि प्रादेशिक शब्द का जो विस्तृत चर्चा में जो हमने जो जानकारी प्राप्त की थी, ये जानकारी प्राप्त की थी कि तीन ईसा पूर्व यानी तीसरी शताब्दी का जो काल था, यानी तीसरी ईसा पूर्व के समय का बात है कि उस समय में यह शब्द प्रचलन में आया था। हम बात करें सबसे पहले इस शब्द को जो प्रचलन में लाने वाले थे वह स्ट्रैबो महोदय थे, यह एक रोमन संप्रदाय से थे। इनका जन्म जो अमेशिया शहर जो टर्की है, जो एशिया माइनर है, यानी हम ये कह सकते हैं कि काला सागर के अंदरूनी भाग में, यानी काला सागर के जस्ट दक्षिण में, यानी इस महाद्वीप के अंदरूनी भाग में स्थित यह एक छोटा सा शहर है। यहाँ पर 64 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। मुख्य रूप से फिर हमने आगे बढ़ाया कि हम स्ट्रैबो महोदय को हम फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी कहते हैं, यानी प्रादेशिक भूगोल का पिता कहते हैं। इन्होंने विश्व में प्रदेशों को यानी प्रादेशिक आधार पर प्रय स्थापित करने का काम किया था। तो हमने उसकी विस्तृत चर्चा इसी टॉपिक में की थी। मुख्य रूप से हम बात करते हैं कि स्ट्रैबो महोदय के साथ साथ जो प्रादेशिक शब्दावली का जो समर्थन करने वाले थे, जो समर्थक थे, वह समर्थक थे क्लवेरियस महोदय और इधर थे बर्नहार्ड वरेनियस महोदय। इन्होंने भी उसी शब्दावली का प्रयोग किया था। तो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रैबो महोदय के जो शब्द था प्रादेशिक रीजनल, उसको और ज़्यादा गति देने का जो काम किया है, वह गति देने का काम किया है क्लवेरियस महोदय ने और बर्नहार्ड वरेनियस महोदय ने। तो मुख्य रूप से हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और प्रदेशों का हम वर्गीकरण पढ़ते हैं कि किस आधार पर हम प्रदेशों का वर्गीकरण कर सकते हैं। जिस प्रादेशिक भूगोल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उस प्रादेशिक भूगोल के बारे में हम चर्चा करें तो जो प्रदेश है, जो हमारे पास में प्रदेश आया है, यानी प्रदेशों का जो हमारे पास में वर्गीकरण का आधार है, वो आधार हमारे पास में वर्गीकरण का आधार क्या हो सकता है, किस आधार पर हम उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। यानी एक ऐसा प्रदेश, यानी एक ऐसा प्रदेश, एक ऐसा प्रदेश जो भौगोलिक आधार पर तो समानता रखता है, यानी भौगोलिक आधार पर तो समानता रखता है, लेकिन उस प्रदेश की अपने विकास संबंधी जो समस्याएं हैं, लेकिन यानी परंतु विकास समस्याओं पर विभिन्नता रखता है, विकास समस्याओं पर विभिन्नता रखता है, यानी प्रदेशों का वर्गीकरण। तो हम सबसे पहले वर्गीकरण जानने से पहले यह तो जान लेना कि प्रदेश क्या होता है, प्रदेश क्या है, एक रीजन्स क्या है, क्या होता है प्रदेश। इसका मीन्स हम प्रदेश के बारे में जिक्र करें तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रदेश या एक ऐसा भूभाग, यानी एक ऐसा प्रदेश मत लिखिए, आप ऐसा लिखिए एक ऐसा भूभाग जो भौगोलिक आधार पर तो समानता रखता है, यानी ज्योग्राफिकल आधार, ज्योग्राफिकल बेस पर तो वह समानता रखता है, परंतु
विकास संबंधी समस्याओं पर विभिन्नता रखता है, वेरिएशन रखता है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि मान लीजिएगा किसी महाद्वीप का यदि मैं बात करूँ आपसे, कोई हमारे पास में महाद्वीप है, उदाहरण के तौर पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, कोई महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप का हमारे पास में एक देश आया भारत। भारत के मैं दो प्रदेशों की बात करूं, एक तरफ तो आप रख लीजिएगा राजस्थान को, दूसरी तरफ आप रख लीजिएगा पंजाब को, इन दोनों प्रदेशों को अपनी तरफ रख लीजिएगा। अब मैं ऐसे बात करूं ज्योग्राफिकल बेस पर यानी भौगोलिक आधार पर, तो मैं भौगोलिक आधार पर इनकी समानता के बारे में बात करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान जिस भारत देश में स्थित है उसी ही देश में ही पंजाब स्थित है। इसका मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों के मध्य यह समानता दृष्टिगोचर होती है। अर्थात यदि राजस्थान के पास में क्षेत्रफल है तो पंजाब के पास में भी क्षेत्रफल है, यदि राजस्थान में वन है तो पंजाब में भी वन है, यदि राजस्थान में पर्वत पठार नदियाँ झील तालाब हैं तो पंजाब में भी ऐसी स्थिति है। मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ यानी सूक्ष्म विभिन्नताओं को छोड़ करके और भौगोलिक आधार पर तो भारत के दो प्रदेश, एक राजस्थान एक तरफ पंजाब है, दोनों भौगोलिक आधार पर तो समानता रखते हैं, लेकिन मैं विकास के मुद्दे की बात करूँ, मैं डेवलपमेंट की बात करूँ, राजस्थान की अपने आप की विकास संबंधी समस्याएं हैं और पंजाब की अपने आप की विकास संबंधी समस्याएं हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि राजस्थान में रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो पंजाब में भी रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, हम ये नहीं कह सकते। मैं ऐसे नहीं कह सकता कि साहब पंजाब में बेरोजगारी की तादाद है तो राजस्थान में भी बेरोजगारी की तादाद, वनस्पत हो सकता है कि पंजाब में ज़्यादा हो राजस्थान में कम, राजस्थान में अधिक हो पंजाब में ज़्यादा हो, मैं ऐसे कह सकता हूँ इन दोनों के मध्य। अर्थात इन विशेषताओं के आधार पर मुख्य रूप से विकास की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, बल्कि कुछ आधार पर यानी ज्योग्राफिकल बेस के आधार पर ये दोनों ही प्रदेश क्या रखते हैं, समानता रखते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रदेश हमारे सामने निकल करके आया, इस प्रकार के प्रदेश को हम क्या कहेंगे, इस प्रकार के भूभाग को हम क्या कहेंगे, एक प्रदेश के नाम से संबोधित करेंगे। तो हम आज की इस ऑनलाइन लाइव क्लास में जो हमारा यानी बीए थर्ड ईयर का जो प्रथम प्रश्न पत्र था उसकी सामान्य जानकारी जो प्राप्त की है, आज के लिए इतना ही, सभी को थैंक्स। हम कल नेक्स्ट क्लास में जो हम गति प्रदान करेंगे वो गति इसी की कनेक्टिविटी करते हुए, इसी टॉपिक को जोड़ते हुए हम आगे की तरफ इस टॉपिक को गति देंगे। इसके आगे हम टॉपिक को लेकर के चलेंगे जिसमें जो हमारी प्रथम खंड है उस प्रथम खंड को हम आगे बढ़ाएंगे, जिसमें भौतिक प्रदेश है, वहाँ की जलवायु है, वहाँ का अपवाह है, वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति है। तो हम प्रतिदिन ऐसे ही इस मेहता कॉलेज की ऑनलाइन पाठ्यक्रम जो चला रखा है इस प्लेटफॉर्म से हम आपको उपयोगी वीडियो देते रहेंगे, और आप निश्चितता के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि आप इनको सुनकर के और आप अपने जो कोर्स है, जो एकेडमिक कोर्स है, आप इसको आगे बढ़ा रहे होंगे और आपको ये यूजफुल वीडियो ऐसे ही प्राप्त होते रहेंगे।